हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हो गेम के डेटा को अपने आईफोन में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कोई भी एक गेम को सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास ये वाला गेम है, तो सिंपल हम लोगों को इसका डेटा डिलीट करने के लिए हमको आ जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स के अंदर। कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपके पास जनरल का ऑप्शन होगा, सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करना है। और यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर आईफोन स्टोरेज का ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर अपडेट की लाइन में, सिंपल आपको इसके ऊपर टैप करके इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर ये स्टोरेज जो है इसका कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा आप लोगों का, तो प्लीज़ इसको टाइम लेने दीजिएगा। देन यहाँ से टाइम जब ले लेगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आई क्लाउड फोटोज़ वगैरह एल्बम्स वगैरह यहाँ पर सब शो हो रही होंगी। सिंपल यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे से और थोड़ा सा लोडिंग हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा और टाइम आपको लेने देना है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पे अपनी जो गेम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑफलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। ऑफलोड ऐप का आपके सामने पॉपअप आएगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जो भी आपका डेटा या डॉक्यूमेंट होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा आपकी गेम का। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।